हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सिगो ऐप के बारे में बताऊंगा कि इस ऐप से आप कैसे, आप उसमें बहुत सारी सुविधा दी गई है, होटल बुक, ट्रेन बुकिंग, ट्रेन स्टेटस, पीएनआर स्टेटस, आप सब कुछ इस ऐप्स के जरिए चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैंने इस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो जैसे आप पहली बार इसे ओपन कीजिएगा तो आपसे कुछ परमिशन अलाउ अलाउ मांगे तो अलाउ कर देना है। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देख मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर आपको ट्रेन टिकट्स। आप यहाँ से ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं, यहाँ फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, यहाँ से बस बुक कर सकते हैं, होटल की बुकिंग का सुविधा है, और यहाँ से आप अपना कैब भी बुक कर सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रेन का स्टेटस या रनिंग स्टेटस जानना चाहते हैं कि हमारी ट्रेन अभी इस टाइम कहाँ है, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपको पता नहीं है कि कहाँ पर भी है, रात में है, तो आप यहाँ से आप रनिंग स्टेटस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कोई अपना ट्रेन नंबर या ट्रेन नाम डाल देना है। डालने और आपको यहाँ दोस्तों आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका ट्रेन स्टेटस कहाँ है, आप कहाँ तक पहुँच गए। आप ऐसे आप इससे चेक कर सकते हैं, आपका बता दिया जाएगा कितने लेट पे, कितने प्लेटफॉर्म नंबर पर आगे, सब इसमें आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको दोस्तों इसमें आपको फिर मिलता है और ऑप्शन इसमें मिलता है फिर पीएनआर स्टेटस। अगर आपके पास टिकट है और आपका उसका स्टेटस जानना है कि टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ पे सीट है, तो आपको यहाँ पे अपना खाली पीएनआर स्टेटस नंबर डालना है, उसके बाद आपका स्टेटस आ जाएगा। अगर आप किसी भी ट्रेन में आप सीट अवेलेबल है, यहाँ सीट चेक करना चाहते हैं कि इस ट्रेन में सीट है कि नहीं है, तो यहाँ से आप सीट अवेलेबल इस पर आप क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाना है ये आपको यहाँ पे टाइप करने बाद आपको यहाँ पे डेट वेट सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे शो ट्रेन पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, शो ट्रेन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद जो भी ट्रेन होगा दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन सी ट्रेन यहाँ से जाती है, सब आपको दिखा दिया जाएगा, कितनी टाइमिंग है और किस में आपका सीट अवेलेबल है या नहीं है, सब आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सब आपको बता दिया जाएगा। तो इससे आप ऐसे ही आप ट्रेन की सीट आप चेक कर सकते हैं और आपको इसके और ऑप्शन के बारे में बता दें। स्टेशन स्टेटस, यहाँ से आप अपना स्टेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी कौन कौन सी ट्रेन आने वाली है, तो आप यहाँ से ये भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे लोकल एंड मेट्रो, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लोकल ट्रेन जो भी आती है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप मेट्रो को पता करना चाहते हैं मेट्रो का पता कर सकते हैं, या मेट्रो पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाना है वो डाल के आपको शो मेट्रो, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपको जितने भी मेट्रो होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, यहाँ से आप मेट्रो भी आसानी से चेक कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पे आपको बुकिंग अलर्ट पे रिफंड का आपका यहाँ पे मिल जाता है। फिर आपका स्टेशन अलार्म का अभी यहाँ पे, अगर आप स्टेशन अगर आप पता अगर आना जैसे कि अगर 5 किलोमीटर अगर पहले ही आपको एक अलार्म बजेगा कि आपका स्टेशन आने वाला है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग करना होगा, इंटर स्टेशन नेम कोड डाल देना होगा और सेट अलार्म पे क्लिक कर देना होगा। तो आपका जैसे ही आप 5 किलो के अंडर मतलब आ जाएगा, 5 किलो के पहले ही आपका 5 किलोमीटर से पहले ही आपको यहाँ पे आपका अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका स्टेशन आने वाला है। तो ऐसे आप इसे चेक कर सकते हैं। और इसमें आप होटल की टिकट होटल भी बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट भी आसानी से बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं एक बात इस ऐप के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप इससे कोई ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो मैंने सुना है कि इस ऐप के बारे में कि इससे ट्रेन टिकट नहीं बुक होता और पर आपके पैसे कट जाएंगे और वो पैसे आपको रिफंड भी नहीं किया जाता। ये ऐप अगर आप ट्रेन स्टेटस या ट्रेन की जानकारी के लिए आप इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये ऐप उसके लिए बेस्ट है। अगर आप इससे टिकट बुकिंग के तो टिकट मैं इससे बुकिंग के सजेस्टेड नहीं करूँगा कि आप इससे टिकट बुक करें या फ्लाइट बुक करें। मैं तो आपको इससे खाली ट्रेन स्टेटस या रनिंग स्टेटस जो भी पियाना सीट अवेलेबल यही आप इसे चेक करने में यूज करें, क्योंकि अगर आप इससे ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपके पैसे फंसने के पूरे चांसेस होते हैं और आपका पैसा रिफंड भी नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस दोस्तों आज के लिए।